इट्स व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार आप सबके लिए होगी। काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे भाई जो क्रिमिनल बंडल अपना वो कौन से इवेंट के अंदर आने वाला है, कैसा इवेंट होगा, कितनी तारीख को आएगा इवेंट और क्या क्या आइटम होंगे। ऐसे बहुत सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरा इवेंट आपका दिखाऊंगा कैसा होने वाला एज इट इज और क्या क्या आइटम और होंगे इसमें। क्रिमिनल बंडल कौन कौन से क्रिमिनल बंडल आएंगे, यानी जो बाकी चार क्रिमिनल बंडल हैं, ठीक है, रेड के साथ ही जैसे येल्लो पर्पल, ठीक है ये सारे आएंगे या फिर बस रेड आएगा, वो सब इवेंट दिखाऊंगा बताऊंगा। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं और अच्छी लगती है लाइक जरूर कर देना। तो भाई ये आएगा आपका लक रॉयल के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर एक रॉयल के अंदर ये पूरा इवेंट होने वाला है। इवेंट कुछ इस तरीके का होगा, इंटरफेस आप देख सकते हो, क्रिमिनल रॉयल करके नाम होगा इवेंट का, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई आपको दो बंडल देखने को मिलेंगे। जी हाँ, एक तो आपका रेड क्रिमिनल मिलेगा, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो एक नियोन क्रिमिनल के अंदर रेड क्रिमिनल भी रहेगा, बट वो चेंज होते रहेगा हर टाइम, ठीक है, कुछ इस तरीके जैसे चेंज हो रहा है इस तरीके से चेंज होता रहेगा। एंड उसके साथ साथ भाई ये जो इवेंट आएगा इसके अंदर क्रिमिनल बंडल दो मिलेंगे आपको, एक रेड और एक नियोन, ठीक है। नियोन वाला चेंज होगा जो कि रेड में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और एक रेड क्रिमिनल बंडल आपको और उस इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो बंडल आपको देखने को मिलेंगे, बाकी क्रिमिनल बंडल की अभी कोई भी मतलब कंफर्मेशन नहीं है। और यहाँ पर एक इमोट मिलेगा, एंड ये अब तक का सबसे तगड़ा इमोट होगा। क्यों मैं तगड़ा बोल रहा हूँ भाई, ये वाला जो इमोट है ना, मतलब आप इसे चलते हुए इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, आप भाग रहे हो तब भी इमोट यूज कर सकते हो, मतलब आप रनिंग पे हो, ठीक है, और ये इमोट आपने यूज करा ना तो आप रुकोगे नहीं, आप चलते रहोगे और ये पैसा फेंकते रहेगा रास्ते में। तो ये इमोट भाई मुझे बहुत तगड़ा लगा, मतलब अब तक का सबसे बढ़िया इमोट मुझे लगा, एंड मैं इस इमोट को जरूर निकालूंगा, भले बंडल निकालू चाहे ना निकालू। उसके बाद ग्लूवॉल देख सकते हो। जी हाँ, ये ग्लूवॉल को आप देखो, ग्लूवॉल का क्या ही ओपी लग रही है, ठीक है, मतलब पूरा रेड रेड, ठीक है, और इस पे आपको एक क्रिमिनल का ही कुछ पिक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद भाई फिर आप यहाँ पर ये बाइक की स्किन देख सकते हो। जी हाँ, ये बाइक भी काफी सही लगी, इसमें एट्रीब्यूट है सिंगल स्पीड इंक्रीज और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, बाइक की स्किन मुझे काफी सही लगी और मजा आने वाला, ठीक है। और ग्रेनेड भी मुझे दिखने में काफी सही लगा, ठीक है, हाथ में पकड़ोगे तो भी मस्त लगेगा, ठीक है, और फेंकोगे तो भी तबाही मचाने वाला है। और भाई इस इवेंट के अंदर आपको ये कुछ टोकन मिलेंगे। जी हाँ, ये जो टोकन है ना, इन टोकन की मदद से, जैसे जरूरी नहीं आपका इवेंट से निकल जाए ना निकले, तो इन टोकन को ले जाके एक्सचेंज स्टोर में जा करके एक्सचेंज करके इन रिवॉर्ड्स को ले सकते हो, ठीक है। मतलब 50 या 60 या 70 टोकन में आपको क्रिमिनल बंडल देखने को मिलेगा। इमोट की बात करो तो इमोट आपको 35 टोकन में मिल जाएगा करीबन, ठीक है। बंडल को निकालने में आपके 2 से 2500 डायमंड लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2500, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगे तो 2500, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इमोट निकालोगे बस तो 1000 से 1200 डायमंड में इमोट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इवेंट होने वाला है और इवेंट ठीक ठाक है। कौन कौन निकालने वाला रेड क्रिमिनल कमेंट करके बताना जरूर। डेट की बात करूँ तो भाई ये आपको 13 अगस्त को मिलेगी, यानी आज से करीबन 4-5 दिन बाद, ठीक है, ये वाला जो इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा हमारे इंडियन सर्वर पे, और बांग्लादेश सर्वर पे भी आपको ये जो इवेंट ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँगा इस बाकी क्रिमिनल बंडल की, तो वो उनकी तो कोई अभी कन्फर्मेशन नहीं है, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, वहाँ पर मैं ऐसे बहुत सारे अपडेट आपको रेगुलर देता रहता हूँ। और स्पिन्स की बात करूँ तो भाई इसमें 40 डायमंड का एक स्पिन होगा, और बड़ा वाला स्पिन जो होगा वो 400 डायमंड का होगा, जिसमें मतलब 10+1 वाला स्पिन, ठीक है, तो कर सकते हो आराम से, ठीक है, अगर आप स्पेंड करना चाहते हो डायमंड वगैरह। और विंजो ऐप को डाउनलोड कर लेना अगर आपको डायमंड वगैरह चाहिए होगा। अगर मेरे दिए लिंक से डाउनलोड कर कोई भी एक गेम खेलोगे तो आपको 231 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में बताना। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।